हेलो एवरीवन, अन्वेषण आईएएस में आप सभी का स्वागत है। और आज 15 दिसंबर 2013 की इंपॉर्टेंट फाइव आर्टिकल्स को हम देखते हैं, इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल्स को देखते हैं। सबसे पहला जो न्यूज आर्टिकल हमारे सामने है वो है ई सिगरेट्स को लेकर। ई सिगरेट्स को लेकर WHO के कुछ ऑब्जर्वेशन है, उसके बारे में हम देखेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है इंडियन स्पेस सेक्टर से रिलेटेड कुछ अपडेट्स, जो इंडिया की जो स्पेस पॉलिसी है उसके तहत बताई गई है, तो इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। देन मालदीव्स ने अभी रिसेंटली इंडिया के साथ किया गया एक वाटर पैक्ट को खत्म किया है, खत्म करने का डिसीजन लिया है, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि आखिर इंडिया मालदीव्स रिलेशन में क्या चल रहा है। देन वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस इन इंडिया। इंडिया में स्पेस सेक्टर में प्राइवेट सेक्टर का क्या पार्टिसिपेशन है, किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन आफ्टर हम लोग डिस्कस करेंगे INS तारमुगले के बारे में। इसको रिसेंटली फिर से इंडक्ट किया गया है इंडियन नेवी में, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले डिस्कस करते हैं ई सिगरेट्स के बारे में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि जो ई सिगरेट्स हैं जिसमें निकोटीन होता है वो हाईली एडिक्टिव है और हार्मफुल है हेल्थ के लिए। अगर हम ई सिगरेट या वेप के बारे में बात करें तो ये एक ऐसे डिवाइस है जो टोबैको स्मोकिंग या जो नॉर्मल सिगरेट्स है उसी की तरह हमें दिखने में लगते हैं, उसी को सिमुलेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे फर्क क्या है कि स्मोक की जगह जो वेपर है उसको लोग इनहेल करते हैं और इस वेपर में प्रोपिलीन ग्लाइकोल या ग्लिसरीन इन दोनों में से कोई एक हो सकता है, और इसके साथ साथ इसमें निकोटीन या फ्लेवर्स भी ऐड किए जाते हैं। तो ये हमारे ई सिगरेट्स होते हैं। अगर ई सिगरेट्स की बात करें तो देखा यह गया है कि जो 13 से 15 ईयर्स के एज ग्रुप के जो चिल्ड्रेन है वो ई सिगरेट्स को बहुत ही हाई रेट पे कंज्यूम कर रहे हैं इन कंपेरिजन टू एडल्ट। WHO जिन भी एरियाज में काम करता है उन सभी एरियाज में, उन सभी कंट्रीज में ऐसा देखने को मिला है कि जो 13 से 15 इयर्स के बीच के जो चिल्ड्रेन है उनके केस में ई सिगरेट्स का यूज काफी ज्यादा हाई है। अब इसके कारण अगर हम बात करें ई सिगरेट के कारण, तो ये जो प्रेग्नेंट वुमेन में जो फीटस का डेवलपमेंट है, जो नए चाइल्ड का जो डेवलपमेंट है, उसको बहुत ही एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। और साथ ही साथ जैसे पैसिव स्मोकिंग होता है नॉर्मल सिगरेट्स के केस में, उसी तरीके से ई सिगरेट्स भी पैसिव स्मोकर्स के लिए एक थ्रेट बनता हुआ नजर आता है। अब ई सिगरेट्स को लेकर हम इंडिया में बात करें तो इंडिया में ई सिगरेट्स को रखना या सिमिलर डिवाइसेस को रखना एक वायलेशन है। इंडिया में एक्ट है प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट एक्ट 2019, जिसके तहत ई सिगरेट्स के पजेशन को बैन किया गया है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग, सेल और बाकी चीजें अलाउड नहीं है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल है वो है इंडियन स्पेस सेक्टर से रिलेटेड। इंडियन स्पेस सेक्टर को लेकर कुछ नए आने वाले जो अपडेट्स हैं, उसमें सबसे पहला और मेजर अपडेट ये है कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन प्लान कर रहा है चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का। और इस चंद्रयान 4 का जो मेन मकसद होगा वह मून से कुछ सैंपल्स को लेकर वापस आना अर्थ पे। तो मीन्स हम मून तक फिर पहुंचेंगे, वहां से सैंपल्स कलेक्ट करके अर्थ पे वापस आएंगे। तो ये चंद्रयान 4 का एक ऑब्जेक्टिव होगा जो अगले 4 सालों में लॉन्च किया जाएगा। वहीं पर अगर बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन यानी इंडिया का अपना खुद का स्पेस स्टेशन भी प्लान किया जा रहा है, और ये उसका जो पहला रोबोट्स है या पहला जो एक्सपेरिमेंट्स है वो 2028 से स्टार्ट किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला था कि हम 2035 तक इंडिया का अपना अंतरिक्ष स्टेशन जो है वो देखना चाहते हैं, तो इसके लिए 2028 से जो एक्सपेरिमेंट्स है रोबोट्स वगैरह स्टार्ट किए जाएंगे। साथ ही साथ इसरो जो है अभी एक नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल पे काम कर रहा है जिसकी कैपेसिटी 16 से 25 टन्स होगी टू लो अर्थ ऑर्बिट। अभी आप देख सकते हो हमारे पास दो मेजर लॉन्च व्हीकल है, एक है PSLV और एक है GSLV। अगर हम GSLV की बात करें तो इंडिया का ये सबसे पावरफुल लॉन्च व्हीकल है जिसकी कैपेसिटी है 10 टन्स तक के पेलोड को लोअर अर्थ ऑर्बिट में लॉन्च करने की। क्या आप मुझे बता सकते हो कि PSLV की मैक्सिमम लिमिट क्या है? आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हो कि PSLV XL वर्जन की जो हाईएस्ट लिमिट है लोअर अर्थ ऑर्बिट की वो कितनी है। इसके साथ साथ एक और एक्सपेरिमेंट है स्पेडेक्स एक्सपेरिमेंट, और इस स्पेडेक्स एक्सपेरिमेंट में बेसिकली डॉकिंग कैपेबिलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने की कोशिश की जाएगी। डॉकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दो स्पेसक्राफ्ट को अलाइन किया जाता है एक प्रिसाइज ऑर्बिट में और दोनों को ज्वाइन करने की कोशिश की जाती है। तो स्पेस में हम दो अलग अलग स्पेसक्राफ्ट को ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, दैट इज
स्पेडेक्स एक्सपेरिमेंट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम में। अब इसके बाद बात करते हैं इंडिया मालदीव्स रिलेशन के बारे में। मेंस एग्जाम के हिसाब से आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंडिया के स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज के रिस्पेक्ट में अगर आपको देखना है कि कैसा रिलेशन चल रहा है। तो मालदीव्स ने रिसेंटली डिसाइड किया है कि इंडिया के साथ जो हाइड्रोग्राफिक सर्वे का अग्रीमेंट था जिसे 2019 में साइन किया गया था उसे वो कंटिन्यू नहीं करेगा। ये अग्रीमेंट ऐसे 2024 तक वैलिड है बट उसके आगे फिर इसे रिन्यू करना था जिसको रिन्यू करने के पक्ष में नहीं है मालदीव्स। 2019 में ये साइन किया गया था इंडिया और मालदीव्स के द्वारा और इसमें इंडिया को अलाउ किया गया था कि इंडिया जो है मालदीवियन टेरिटोरियल वाटर्स को सर्वे करेगा, इसका हाइड्रोग्राफिक सर्वे करेगा, साथ ही साथ जो चार्ट रीफ्स हैं, लैगून्स हैं, कोस्ट लाइन्स हैं, ओशन करेंट्स हैं, टाइड लेवल्स हैं, इन सभी को स्टडी करने की बात हुई थी जो इंडिया के तरफ से किया जाना था। अब वहां के जो रिसेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट है मुइजू, उन्होंने एक और चीज जिसमें इंडियन रिलेशंस में ध्यान रखने की बात है कि नॉर्मली मालदीव्स में जो प्रेसिडेंट होते थे, जो नए प्रेसिडेंट होते थे, उनका पहला डेस्टिनेशन इंडिया होता था बट पहली बार मुइजू ने टर्की को चूज किया है अपना पहला फॉरेन डेस्टिनेशन। पहले के जितने भी मालदीवियन प्रेसिडेंट्स होते थे वो इंडिया को पहला स्टॉप चुनते थे बट इस बार डिपार्चर देखा गया है। मुइजू ने साथ साथ एक चीज और बोला है कि जो मालदीव्स की इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है उसको वो चेंज करेंगे और साथ ही साथ मालदीव्स में जो इंडियन मिलिट्री पर्सोनल के जो प्रेजेंस है उसको भी खत्म करेंगे। मालदीव्स ने अगर बात करें तो मालदीव्स के पास दो हेलीकॉप्टर्स और एक एयरक्राफ्ट है जो इंडिया के द्वारा प्रोवाइड किया गया है मालदीव्स की नेशनल डिफेंस फोर्स को मेडिकल इवैक्यूएशन के लिए और डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशंस के लिए। इसके साथ साथ वहां पे 77 इंडियन मिलिट्री पर्सोनल का प्रेजेंस भी है। तो इंडिया और मालदीव्स के रिलेशन जो है अभी हाल फिलहाल में काफी अच्छे नहीं रहे और इसका एक मेन कारण यह है कि वहां पे जो अभी पॉलिटिक्स चल रही है उस पॉलिटिक्स में प्रो इंडियन पॉलिटिशियंस वहां पे कम है, इसलिए इंडिया आउट कैंपेन का भी आपने नाम सुना होगा। तो मालदीव्स में इंडिया को लेकर सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव अभी के टाइम में नहीं दिख रहे हैं। अब इसके साथ साथ हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन स्पेस की। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिए गए हैं पीआईबी पे, ये जो न्यूज आर्टिकल है वो पीआईबी से लिया गया है। इसके तहत इंडिया में स्पेस स्टार्टअप्स के जो नंबर है वो काफी अच्छे से इंक्रीज कर रहे हैं, काफी हद तक इंक्रीज किया है। 2014 में इंडिया में स्पेस सेक्टर में सिर्फ एक स्टार्टअप थी और 2023 में यह बढ़कर 189 हो गई है। तो ये एक इंपॉर्टेंट एंगल है जिसको आप देख सकते हो। देन साथ ही साथ इंडिया में जो स्पेस स्टार्टअप्स हैं उनकी इन्वेस्टमेंट भी $124.7 मिलियन अभी पहुंच चुकी है। गवर्नमेंट ने इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 अनाउंस की थी, अप्रैल 2023 में इसको अनाउंस किया गया था और इस पॉलिसी के तहत एक मेन जो मकसद है वो ये है कि जो नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज है मीन्स जो प्राइवेट कंपनीज है वह स्पेस सेक्टर के हर एक फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूट करेंगी, हर एक फील्ड में पार्टिसिपेट करेंगी, चाहे वो लॉन्च व्हीकल्स को डेवलप करना हो, कम्युनिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, नेविगेशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी हो, नए सैटेलाइट्स लॉन्च करने हो, नए सैटेलाइट्स बनाने हो। तो स्पेस सेक्टर से रिलेटेड हर एक फील्ड में जो प्राइवेट सेक्टर है वो पार्टिसिपेट करेगी। अब इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि कुछ जो नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज हैं उन्होंने अपने सैटेलाइट्स को लॉन्च किए हैं, बहुत सारी जो इंडस्ट्रीज हैं और वो अपनी सैटेलाइट्स और कॉन्स्टेलेशंस जो है वो बिल्ड कर रही हैं। इसका जो फायदा है वो एग्रीकल्चर, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, वेदर फॉरकास्टिंग, कम्युनिकेशन सर्विसेज, इन सभी में मिलने के चांसेस हैं। अभी इंडिया में अगर देखा जाए तो स्पेस सेक्टर को लेकर चार मेजर ऑर्गेनाइजेशन है। एक है NSIL जिसका मतलब है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, एक इन स्पेस है जो इस टाइप की जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको ऑथराइज करेगा, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस नोडल एजेंसी है इंडिया में स्पेस सेक्टर को लेकर, हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है, और इसरो जो एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट बॉडी है। अब नए स्पेस पॉलिसी के अंतर्गत इसरो विल फोकस मेनली ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जो कमर्शियल एक्टिविटीज है वो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा की जाएंगी। तो इसीलिए इंडिया में नॉन गवर्नमेंटल एंटिटीज आर गोइंग टू हैव मोर पार्टिसिपेशन इन स्पेस सेक्टर। अब एक जो लास्ट हमारे पास न्यूज आर्टिकल है वो है INS तारमुगली को लेकर। ये एक ट्रिंकेट क्लास फास्ट अटैक क्राफ्ट है
जैसे मालदीवियन नेवल डिफेंस फोर्स को 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया था। तो अराउंड 17 इयर्स, 15 इयर्स के बाद जब इसे रिटर्न कर दिया गया 2021 में, तो वापस से इसको रीस्टोर किया गया, वापस से इसको आप बोल सकते हो कि एक नया रूप दिया गया है, और इसके साथ साथ इसको इंडक्ट कर लिया गया है। इंडियन नेवी को मई 2023 में प्रोवाइड किया गया था। ये एक इन सर्विस वाटर जेट फास्ट अटैक क्राफ्ट है। और अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एमटीयू इंजन है, लेटेस्ट कम्युनिकेशन इक्विपमेंट है, गन है, एडवांस्ड रडार सिस्टम है, और कोस्टल सर्विलांस के लिए केजी बेसिन एरिया और ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। केजी बेसिन एरिया किस पार्ट में लोकेटेड है ये आप मुझे बता सकते हो कमेंट बॉक्स में कि वेयर इज दिस केजी बेसिन लोकेटेड और ये क्यों फेमस है, वाई दिस केजी बेसिन इज फेमस। तो ये दोनों चीजें आप मुझे बताओ। आप जुड़ सकते हो अन्वेषण आईएएस के टेलीग्राम चैनल से, जहां पे आपको इस न्यूज आर्टिकल का पीडीएफ, इस न्यूज डिस्कशन का पीडीएफ भी मिल जाएगा। इसके साथ साथ आपको डेली न्यूज फीड, डेली क्विज, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स और मेंटरशिप सपोर्ट भी मिलता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऑल द बेस्ट।